तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल कॉस्टोनोम यूज़ करने के बाद हमारा फ़ोन बहुत हीट होता है, तो उसे फिक्स करने के लिए कोई मॉड्यूल या कोई फाइल दे दो जिससे हमारा फ़ोन हीट ज़्यादा ना हो। तो वो ठीक करने के लिए आपको थर्मल का यूज़ करना पड़ता है। तो थर्मल यूज़ करने के करने से आपको कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, तो आप फ्लैश करने से पहले सुन लो, वरना कुछ लोग क्या करते हैं डिसीजन से सीधा फाइल लेके सीधा फ्लैश करना चला जाता है एकदम सुपर हीरो की तरह। तो पहले सुन लो उसके बाद करो, वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों थर्मल दो टाइप का होता है, एक है थर्मल लिमिट को इंक्रीज़ कर देता है, जो आपका लिमिट है उसको वो बंद कर देता है जिससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है गेमिंग में, और एक जो है आपको थर्मल लिमिट लगा देता है कि आप इतना परफॉर्मेंस ले सकते हो, उसके बाद अगर मोबाइल हीट होगा तो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगा, मतलब कम होता रहेगा और आपका हीटिंग भी कम होता रहेगा। तो मैं कुछ थर्मल आपके लिए लाया हूँ जो ऑफिशियल साइट से मुझे मिला है, मैं अनऑफिशियल कोई थर्मल का फाइल नहीं दूंगा, अगर कोई उल्टा सीधा नहीं होगा इससे आपका, सब कुछ ऑफिशियल साइट से लिया है मैंने। तो जो मुझे ठीक लगा और जो मुझे मिला वो फाइल ही आपके लिए लाया हूँ मैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ओएस मतलब OB16 रूम जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक थर्मल है जो उसका नाम है OnePlus थर्मल व्हाट्सएप का। उस थर्मल को आपको फ्लैश करने से क्या होगा कि आपका मोबाइल पे लिमिट लग जाएगा, थर्मल मतलब क्या कहते हैं उसे, कोई भी प्रोसेस का लिमिट लग जाएगा। लिमिट लगने से क्या होगा कि अगर आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो जो प्रोसेस आप कर रहे हो उससे अगर कोई उसकी वजह से अगर कोई हीटिंग वगैरह होता है तो उस प्रोसेस को बहुत स्लो कर देगा, जिससे आपका धीरे धीरे जो हीटिंग का इशू है वो भी कम होता रहेगा। तो OB60 जो रोम है उसमें आपको इनबिल्ट कोई थर्मल देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए उन लोगों ने अलग से थर्मल फाइल को दिया है उसके साइट पे, मतलब उस रोम की साइट पे आपको मिल जाएगा, अलग से मिलेगा, आपको इनबिल्ट थर्मल नहीं मिलता OB60 में, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आपको ज़्यादा गेम नहीं खेलते, आपको हीटिंग भी नहीं चाहिए, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको थर्मल यूज़ करने के लिए बहुत सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप गेमर हो तो आप थर्मल को मत यूज़ करो, उससे हीटिंग तो कम होगा लेकिन आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ओएस का रोम जूम फ्लैश करते हैं, वो लोग फर्मवेयर की फाइल और fcrypt डिसेबल यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन ओएस में इन सब का कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन ओएस में आपको सिर्फ ऑक्सीजन ओएस का फाइल और OB16 फिक्स फाइल चाहिए, और साथ में आपको एक और चीज़ चाहिए, अगर आपका फ़ोन एनक्रिप्शन है तो आपको OB16 की साइट पे एनक्रिप्शन वाला फाइल मिल जाएगा। तो मैं सभी का लिंक नीचे दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। और अभी है नेक्स्ट है दूसरे रोमों के लिए, जो है जो कॉर्बस कोई दूसरा रोम यूज़ करते उन लोगों के लिए है कि चार्जिंग स्पीड कम मिलता है आपको, तो उसके लिए भी एक थर्मल है। उस थर्मल को यूज़ करने से आपका जो चार्जिंग लिमिट होगा ना, जो स्पीड का लिमिट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बस उसका काम इतना ही है। और एक और है पावर का, जो पावर सेविंग का काम करेगा, अगर आप कोई भी ऐप बैकग्राउंड में ज़्यादा पावर लेता है तो उसको वो बंद कर देगा। तो आप एक टाइम पर एक ही थर्मल यूज़ कर सकते हो, अगर डबल थर्मल यूज़ करेंगे तो क्या होगा मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, क्योंकि मैंने डबल थर्मल कभी यूज़ नहीं किया और आपको भी नहीं करूँगा आप डबल थर्मल डबल फाइल फ्लैश करो। एक और थर्मल है जिसका नाम है वी थर्मल, तो आपको वी थर्मल यूज़ करने से आपको हीटिंग का मैनेजमेंट मिल जाएगा, हीट मैनेजमेंट का प्रोग्राम मिल जाएगा, और साथ में मिल जाएगा आपको थोड़ा परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ मिल जाएगा, जिससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगा, चार्जिंग स्पीड इंक्रीज़ होगा लेकिन हीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो अगर यूज़ ना करो तो ही अच्छा है, आपको तो गेमिंग से मतलब है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ हीटिंग का प्रॉब्लम को लेके ही बना रहा हूँ, इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस हीटिंग का सोल्यूशन हो जाएगा सीधा, लेकिन गेमिंग का कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। तो गेमिंग इंक्रीज़ करने के लिए दूसरा थर्मल है जो मैं नहीं दे सकता, उससे अगर आपका डिवाइस का कोई प्रॉब्लम हो जाए आप तो कमेंट में गाली लिखोगे ना, इसलिए मैं कोई दूसरा थर्मल नहीं दे रहा हूँ। आप कर्नल यूज़ करो, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ये थर्मल वर्मल चक्कर में मत पड़ो, थर्मल डिवाइस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक। तो थर्मल से आप चार्जिंग स्पीड बढ़ाओ, पावर सेविंग मोड ठीक करो, वो सब ठीक है। OnePlus का आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, लेकिन थर्मल की मदद से कभी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ मत करो, वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके CPU के लिए भी ठीक नहीं है। पहले अच्छा देगा, बाद में आपका CPU का फ्रीज का इशू देख सकते हो आप। और एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि आप OnePlus रोम से अगर कॉर्बस या दूसरे रोम पे जाओगे तो आपका डिस्प्ले का फ्रीज इशू देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले कभी क्या होता है कि फ्रीज होके फिर से चला जाता है। तो एक कॉर्बस रोम की और कुछ कोई कर्नल की इशू नहीं है। ये जो अपने ऑक्सीजन ओएस यूज़ किए थे तो उसकी वजह से, क्योंकि उसमें कोई थर्मल यूज़ नहीं हुआ था तो उसका जो डेटा है वो आपके पास पहले से रह जाता है ना, तो उसके वजह से ऐसा होता है। तो आपको ऑक्सीजन ओएस यूज़ करना होगा तो ही आपको ठीक फ्रीज का इशू ठीक होगा, वरना क्लीन फ्रेश करो फिर से, ठीक से करो पूरा फाइल को। आपको फिर से MIUI पे जाके फिर से आपको कॉर्बस डालना होगा तो ही आपका फ्रीज का इशू जाएगा। और साथ में मैं आपको MIUI ऑडियो जिप फाइल दूंगा, जिससे अगर आपको कोई कस्टम रूम की वजह से आपका साउंड प्रॉब्लम हुआ है तो वो रिकवरी में जाके फ्लैश करने से ठीक हो जाएगा। तो मैं कुछ एक थर्मल जो है वो है मॉड्यूल में आपको यूज़ करना होगा, जो रूटेड थर्मल है, और एक्स थर्मल और एक और थर्मल है जो पावर और चार्जिंग के लिए है। उस थर्मल वो थर्मल आपको रिकवरी में जाकर फ्लैश करना होगा, और वन प्लस का थर्मल भी आपको रिकवरी में जाकर फ्लैश करना होगा। बस इतना सही करना है, आपका हीटिंग का प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करो कि ना या नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपको कौन सा चीज़ चाहिए। अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस से कोई डिक्रीज़ नहीं चाहिए, आपको चार्जिंग वाला थर्मल, चार्जिंग और पावर चार्जिंग का थर्मल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका कोई परफॉर्मेंस डिक्रीज़ नहीं होगा, सिर्फ आपको चार्जिंग का स्पीड मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।